हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय न्यू वीडियो। अगेन आपके लिए एक वाटर पार्क लेके आ गया हूँ मैं। आज मैं आया हूँ मोजोलैंड। मोजोलैंड के अंदर आप तीन चीज़ों का मजा ले सकते हो। एक यहाँ पे वाटर पार्क है, एक यहाँ पे एडवेंचर पार्क है, और यहाँ पे मिलेगी आपको स्नो, पूरी बर्फ़। यहाँ पे आपको -10 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर मिलेगा। तो तीनों चीज़ें आपको एक जगह पर मिलने वाली है। उस जगह का नाम है मोजोलैंड। तो चलते हैं अंदर, मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ की दे देता हूँ कि यहाँ का टिकट प्राइस क्या है, यहाँ की लोकेशन क्या है, और इस जगह का टाइमिंग क्या है। मोजोलैंड आपका सोनीपत में मूरथल है, मूरथल टोल के पास में पड़ता है। मैं आपको हाईवे पर ले जाता हूँ, वहाँ से आपको समझाता हूँ कि इसकी लोकेशन क्या है। तो गाइस, ये आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है और ये मूरथल टोल प्लाजा है, ठीक है ना। इस टोल प्लाजा के राइट हैंड साइड पे आपको मोजोलैंड का बोर्ड दिख जाएगा। ये अपना वाटर पार्क है, ठीक है। तो कभी भी आप आते हो और आप भाई बस आ रहे हो, तो आप बस वालों को बोलोगे तो वो आपको टोल पर उतार देगा। टोल पर उतरने का रोड क्रॉस करना और आप यहाँ जा सकते हैं। और आप पानीपत की तरफ से आ रहे हो तो आप टोल पे उतर जाओगे, वहाँ आपको रोड भी क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका एड्रेस है, तो चलते हैं अंदर फटाफट। ये मेन गेट है, मेन गेट के अंदर एंट्री करती है आपको ये पार्किंग दिख जाएगी। ये काफ़ी बड़ी पार्किंग है। पार्किंग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है, ठीक है। अपने रिस्क पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। ये सामने इसका एंट्री गेट है, और एंट्री गेट के बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ के टिकट प्राइस के बारे में। ये आपके अभी यहाँ पे ऑफ़र चल रहे हैं, आप देखो ये टिकट प्राइस है। यहाँ पे वाटर पार्क का 500 है छोटे बच्चों के लिए। ये आपका हाइट जो होगी ना बच्चों की, वो 2.8 मतलब 2 फीट 8 इंच से अबाव अगर बच्चा होगा तो उसका 500 लगेगा। एडल्ट का 600 है। इसके अलावा एडवेंचर पार्क का 500 है छोटे बच्चों का, 600 है एडल्ट का। स्नो पार्क का 500 है, 600 एडल्ट का। कॉम्बो अगर आप, जैसे तीन चीज़ें वाटर पार्क, एडवेंचर पार्क, स्नो पार्क, तो इसमें अगर कॉम्बो करते हो दो पार्क का, जैसे आप वाटर पार्क का और एडवेंचर पार्क का करते हो, तो छोटे बच्चों का 800 हो जाएगा और एडल्ट का 900 रुपये हो जाएगा। इसी तरह आपका तीनों का कॉम्बो करते हो तो छोटे बच्चों का 1100 और एडल्ट का 1200 रुपये। तो ये इस समय यहाँ पर समर बोनेजा नाम से ऑफ़र चल रहे हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसके अलावा अगर किसी का बर्थडे है तो बर्थडे पे उसको ये बेनिफिट मिलने वाला है, बर्थडे फ्री ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वैलिड आईडी प्रूफ। आपके पास आईडी प्रूफ होनी चाहिए, आपका स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी यहाँ पढ़ते हो उससे कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे उसका फ़ायदा मिलेगा। इस तो टिकट प्राइस मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर आप यहाँ से आके बुक करते हैं तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा अंदर इन्जॉय करने के लिए। इसके अलावा अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, बेस्ट डिस्काउंट चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर उनको कॉल कर लीजिए, उस लिंक पर क्लिक करके टिकट बुक कर लीजिए, आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर इन्जॉय करने के लिए। तो अब चलते हैं अंदर और एंट्री करते हैं, और दिखाता हूँ आपको मैं पूरा वाटर पार्क। गेट से और वाटर पार्क की दूरी काफ़ी है, तो यहाँ पे आपको छोटी सी ट्रेन चला रखी है, उसमें आपको बैठा के फ्री में आपको वहाँ तक छोड़ के आते हैं। तो ये वो ट्रेन है जिसमें आपको गेट से लेके अंदर तक ड्रॉप किया जाएगा। और ये यहाँ की एंट्री है एडवेंचर पार्क और वाटर पार्क की, और स्नो पार्क थोड़ा पहले पड़ता है। अंदर घुसते ही आपको वेदी लाल की आइसक्रीम मिल जाएगी। अंदर आते ही कुछ ऐसा नज़र आपको देखने को मिलेगा, ये साइड में बने हुए हैं लॉकर, और यहाँ से आपको लॉकर की चाबी लेनी पड़ेगी। पहले पे लॉकर के साइड में आपके चेंजिंग रूम बने हुए हैं जहाँ पे आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। ये मेल के लिए है, वो फीमेल के लिए है, ये लॉकर के साइड में ये बना हुआ है। तो मैं हो चुका हूँ रेडी कॉस्ट्यूम पहन के। कपड़े पहले आपको एक पीछे मिलता है शावर, यहाँ पर आप नहा सकते हो, चलती गर्मी में फुहारे का मज़ा ले सकते हो। और चलते अंदर स्लाइड व्लाइड करते हैं, मज़े लेते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है शावर, यहाँ पे आप आराम से नहा सकते हो, भाई की तरह एंजॉय कर सकते हो। देखो जैसे भाई एंजॉय कर रहे हैं सारे। तो गाइस ये देखो यहाँ का वाटर पार्क और स्लाइड लाइट आपको दिख रही है मस्त वाली। ये देखो कितना क्राउड है, चल चिल चिलाती गर्मी में वाटर पार्क एक सहारा है। ये आपका फैमिली पूल है, ठीक है, यहाँ बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी स्लाइड है यहाँ पे। इसके अलावा बड़ों के लिए स्लाइड वो है सामने, आप देख पा रहे हैं। ये भाई साइक्लोन स्लाइड देखो, इस तरह जाके उसमें गोल घुमा देगी आप। कितनी स्पीड से क्या बंदा देखो, तो घूम रहा मतलब अच्छे अच्छों की सांस फूल जाती है, और एकदम नीचे जाके टपक जाता है पानी। इसको कहते हैं साइक्लोन स्लाइड, बड़ी खतरनाक है। देखो ये बंदा जाएगा अब एकदम नीचे, वहाँ जाके स्पीड देखना है इसकी, स्पीड देखना आप, जाएगा नीचे, जाओ गया, अब सेकंड में पहुँचेगा गया और वहाँ निकलेगा एकदम, इसमें देखना
ये देखो भाई ट्यूब का थोड़ा वो रखना क्योंकि ट्यूब यहाँ पे है ना, मेरे को क्राउड ज़्यादा है तो ट्यूब आपको किसी ने मतलब अपने पास रखने को, छोड़ना मत कोई भी ले लेगा क्योंकि ट्यूब कम पड़ रही है थोड़ी, जैसे हमें ट्यूब नहीं मिल रही, हम भटकने लग रहे हैं इधर से उधर, छीननी पड़ेगी किसी से। तो वेव हो चुकी है स्टार्ट, चलते हैं फटाफट वेव का मजा लेते हैं। तो ये अपना वेव पूल है, अभी वेव स्टार्ट होने वाली है, इसका टाइम पीरियड होता है, अभी अनाउंस हो चुकी है और धीरे धीरे स्टार्ट होने लग रही है, इसका लेते हैं एंजॉय। देखो क्या मस्त नज़ारा यार, देखो पानी देखो कितना ऊंचा, ओ मेरी छाती तक आ गया पानी, और आगे देखो। तो ये वाली स्लाइड अब हम करने वाले हैं, देखो ऐसे जाएंगे हम और कहाँ जाके निकलेंगे पता नहीं, स्टार्ट करते हैं चलो। एक्चुअली क्या, जो स्लाइड कर रहे थे ना तो हमारी ट्यूब पलट गई, और ट्यूब पलटी और लक्ष्य भाई गिर गए जब से लग रहे हो, पर मजा आया बहुत ज़रा। लक्ष्य भाई के जीवन में पहली बार ट्यूब पलटी है तो वो परेशान हो रहे, बहुत से कह रहे तूने पलटाई है मेरी ट्यूब को, लक्ष्य भाई ने पकड़ा नहीं। तो गाइस जिंदगी में मेरी जो मैंने काफ़ी सारे वाटर पार्क मैंने कवर किया, कभी ट्यूब स्लाइड मेरी जो पलटी नहीं है, ट्यूब कोई पलटी नहीं है, इसके चक्कर में पलटी है भाई आज भाई, तो इसलिए वीडियो को फिर जो लाइक कर देना यार। अब हम करने वाले हैं ये वाली स्लाइड, ऐसे जाएगी नीचे देखो, बहुत ज्यादा ऊपर भाई, मेरी लॉग ही गई भाई, मेरी रात हो गया, जब आई ना निकल गए पलटेंगे 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 पलटेंगे, पलट गए भाई, कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया भाई, उल्टे आए हो पता है कैसा लगा मुझे भाई, एकदम मजा। तो गाइस अब चलते हैं रेन डांस करने, यहाँ का रेन डांस देखो भाई अलग ही मजे, यहाँ के ये रेन डांस है और अपना वहाँ पर देखो पूरा व्हाइट व्हाइट हो सकते हो, झाग है पूरा। ये कैफेटेरिया यहाँ का मतलब कैंटीन कह लो रेस्टोरेंट कह लो, यहाँ पे आपको खाने पीने का सारा सामान मिल जाएगा, क्या क्या मिलता है देखते हैं एक बार को। ये सारा मेनू है आप पे देख सकते हो, रेट के साथ में दिखा दिया मैंने आपको। यहाँ पे गाइस आप वाटरफॉल का भी मज़ा ले सकते हो, देखो इसका भी टाइम है मतलब आधे घंटे 15-20 मिनट के लिए स्टार्ट होता है। यहाँ पे जैसे वेव है, उसके अलावा वाटरफॉल हो गया, इसके अलावा रेन डांस हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, कंटिन्यूसली नहीं चलती रहती, बीच में गैप होता है, जैसे मान लो आधे घंटा 20-25 मिनट एक घंटा बंद होगी फिर स्टार्ट होती है, ऐसे करके चलती है। जैसे वाटरफॉल बीच देखो चल रहा है, अब ये 20-25 मिनट चल के बंद हो जाएगा, रेन डांस बंद हो चुका है इस समय, जब भी कोई ये रेन डांस हो गया, वाटरफॉल हो गया, इसके अलावा वेव होगी, ये चलती है तो पहले अनाउंस हो जाती है कि 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है इस तरह करके। ये पेंडुलम स्लाइड है, यहाँ पे दो हैं ऐसी, ये बड़ी है और एक छोटी वाली है साइड में वहाँ पे है, तो स्लाइड भी काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पे।
ये स्लाइड है अपनी पेंडुलम, और ये मैंने आपको बताया था मैट स्लाइड। ये बड़ी मस्त भी है, जिनको करनी होती है, जिनके लिए जिनको पसंद है उनके लिए। अब जैसे मेरे जैसे बंदों जिनको पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा नहीं कर पाता मैं तो, क्योंकि जब नीचे आ रही है तो ठीक है, जब यहाँ से आके फिर वापस ऊपर जाती है, फिर नीचे आते हैं तो हो जाती है दिक्कत। लक्ष्य भाई पहुँच चुके हैं करने के लिए स्लाइड। दे दो इस आगे वाले को देखो, आगे वाले को देखो। अब चेहरे पास ही आई है इसके, जब नीचे जब भाई नीचे आ रहा था ना, जब हंसी गायब हो गई थी एकदम ही। तो ये सारी स्लाइड थी जो मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। दो वहाँ पे हैं, बाकी सारी है, एक न्यू ओपन और हो रही है वो पीछे ब्लू टाइप की, अभी ओपन हुई नहीं है, उसमें टाइम लगेंगे, आई थिंक 1 वीक का टाइम लगेगा। तो ये अपना फैमिली पूल है, सारी स्लाइड जो जो हमें करनी थी मतलब वो हमने कर ली है, बाकी अब फैमिली पूल है, इसमें थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं। वेव भी स्टार्ट हो रखी है पर वेव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चलो फैमिली पूल में चलते हैं और उसको इंजॉय करते हैं। ये छोटे बच्चों के पर्पज़ से अच्छा है, छोटे बच्चे इंजॉय करते हैं इस चीज़ को, उनके हिसाब की स्लाइड है। ये सबसे छोटी स्लाइड है छोटे छोटे बच्चों के लिए, मेंढक है, मेंढक की जीभ है, उस जीभ पे से स्लाइड करके आना है नीचे तक, तो पानी कैसे निकलता है उसके अंदर से। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी स्लाइड, मतलब बच्चों के लिए स्लाइड है ना, काफ़ी ऑप्शन है बच्चों के हिसाब से। ये छोटी छोटी स्लाइड है, इनसे थोड़ा ऊपर जाना है तो वो वाली स्लाइड है, और उसके बाद फिर ज़्यादा हिम्मत है तो बड़ी बड़ी स्लाइड है जो बड़े बड़ों के लिए है। तो बच्चों के हिसाब से फैमिली पूल है, इन्हीं के अंदर ही काफ़ी स्लाइड है, काफ़ी इन्जॉय करेंगे यहाँ पे। मतलब यह है कि बच्चे बोर नहीं होंगे, सुबह आके शाम तक अपना फुल इन्जॉय करो, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ भी टाइम लिमिट नहीं है, खूब इन्जॉय करो यहाँ पे। लक्ष्य करो देखो ये छोटे बच्चे को, देखो फुल नाक बंद करके आ रहा है ये, देखो ये अपनी बाल्टी, छोटी छोटी बाल्टियां लटका रखी हैं, भरती हैं, देखो ऐसे गिरती है, मतलब फुल पैसा वसूल है यहाँ पे, फुल पैसा वसूल। तो गाइस अपना वाटर पार्क का व्लॉग कंप्लीट होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा किया हमने, बहुत मज़ा आया मैं बताऊँ ना, मतलब फुल पैसा वसूल है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलते हैं, आज का व्लॉग हम यहीं कंप्लीट करते हैं, बाय, टेक केयर।